वेल तो ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर के डिस्ट्रक्शन के बारे में, जो कि कोडी रोड्स के ऊपर देखने को मिला। देन उसके बाद मंडे नाइट रॉक के ऑफ एयर के अंदर क्या कुछ देखने को मिला इस बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि क्या हमें बैकलैश 2023 के अंदर रोमन रेंस वर्सेज ब्रॉक लेसनर वर्सेज देखने को मिल सकता है कोडी रोड्स, या ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलेगा। इस थिंग के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो भाई, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, तो चलते हैं फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं एंड टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये है जो कि कोडी रोड्स के डिस्ट्रक्शन को लेकर, यानी कि कोडी रोड्स के ऊपर जो डिस्ट्रक्शन बीता इसको लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर के बाय, मतलब हमें यहाँ पर ये देखने को मिला ब्रॉक लेसनर ने जो इसे अटैक करके चले गए। देन इसके बाद कोडी रोड्स को स्ट्रेचर लाया जाता है कोडी रोड्स के लिए, जहाँ पर कोडी रोड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर मतलब लिटाया जाता है, लेकिन वो लेटते नहीं, वो वहाँ से उठ के चलने की कोशिश करते हैं, चल के जाते हैं रैंप तक। एंड रैंप पर जाने के बाद वहाँ पर लड़खड़ाकर गिर जाते हैं, ऐसा कुछ हमें यहां पर सिचुएशन देखने को मिलता है। और देन इसके बाद हमें यहां पर कैसे तो कैसे उनको उठाकर ले जाया जाता है जो कि बैक स्टेज में। तो ऐसा कुछ हमें यहां पर कोडी रोड्स ऑफ एयर में करते हुए दिखाई दिए। तो क्या कोडी रोड्स एक्चुअल में इंजर्ड है, या फिर कुछ हमें ऐसा ही जो कि एक्टिंग देखने को मिल रही है, मतलब क्या कुछ है? तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि अभी तक कोई ऐसी इंजरी की रिपोर्ट नहीं देखने को मिली है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो कोडी रोड्स हैं वो इंजर्ड नहीं है। ये एक स्टोरी लाइन का पार्ट है, और ये स्टोरी लाइन के पार्ट के अंदर हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली, जहाँ पर एक तरीके से कोडी रोड्स को इंजर्ड दिखाया गया, जहाँ पर ब्रॉक लेसनर पूरे डिस्ट्रक्शन दिखाते हुए दिखाई दिए कोडी रोड्स के ऊपर। तो भाई, काफ़ी खतरनाक माहौल था मंडे नाइट रॉ के अंदर, मंडे नाइट रॉ के एंडिंग में और मंडे नाइट रॉ के बाद खत्म होने के बाद। तो ये कुछ हमें यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर के अंदर देखने को मिला था। इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है भाई, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड ऑब्वियसली भाई, कोडी रोड्स के लिए दया तो आ रही है भाई, बहुत गंदा पिटते हुए दिखाई दिए। वैसे इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है भाई, कमेंट में जरूर बता देना। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये थिंग हमें देखने को मिल रहा है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के मैच को लेकर। तो कुछ रिपोर्ट्स हमें यहां पर ऐसी देखने को मिल रही है कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर, ये मैच हमें पॉसिबल होते हुए दिखाई दे सकता है। पॉसिबली ये मैच हमें देखने को मिलेगा बैकलैश 2023 के अंदर। तो ये एक पिच देखने को मिल रही है, जिस पिच को लेकर रिपोर्ट यहां पर देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट ऐसी भी देखने को मिली थी जहां पर रोमन कोडी वर्सेज सेथ रॉलिंस का प्लान था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी स्टोरी लाइन अब जो कि तैयारी देखने को मिल रही है इस स्टोरी लाइन को लेकर, अब मुझे ये लगता है कि रोमन वर्सेस या तो हो सकता है कोई और सुपरस्टार देखने को मिले, या तो डब्ल्यू यहां पर ये जो पिच डाल रही है ट्रिपल थ्रेड का, जो कि रोमन वर्सेस कोडी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का, तो ये एक ट्रिपल थ्रेड मैच हमें देखने को मिला है बैकलैश 2023 के अंदर। एंड रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, भाई किसने, किस सब्सक्राइबर ने नहीं कहा था कि अगर रोमन वर्सेस ब्रॉक अगेन होगा तो भाई मैं आपको इतने पैसे दूंगा? तो भाई सब्सक्राइबर कहां गए भाई, जरूर जाके आके कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। तो भाई यार, मतलब रोमन वर्सेस ब्रॉक वर्सेस कोडी, इसके प्लान यहां पर बनाए जा रहे हैं, और ये हो सकता है कि पॉसिबली हमें देखने को मिले बैकलैश 2023 के अंदर रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स। एंड भाई बता रहा हूँ, ये एक बहुत ही बड़ा मैच हमें बनते हुए दिखाई दे सकता है, रसलमेनिया से भी बड़ा मैच हमें यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे सकता है, अगर इन तीनों सुपरस्टार्स के बीच में एक ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलता है, रोमन ब्रॉक वर्सेस कोडी ट्रिपल थ्रेड। भाई लेट्स सी, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके जरूर फॉलो भी कर लेना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।